समय बहुत कम बचा है और एग्जाम भी सिर पर हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है आपकी टेंशन भी बढ़ती जा रही है और आपको लग रहा होगा कि इतने कम समय में तैयारी कैसे हो पाएगी, अच्छे मार्क्स कैसे आ पाएंगे। कहीं आपको भी तो ये नहीं लगने लगा कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों देर नहीं हुई है, हाँ लेकिन आपसे एक छोटी सी गलती जरूर हुई है। वो गलती ये है कि तुमने अपना समय पहले सही से इस्तेमाल नहीं किया। शायद उस समय तुम्हें दोस्तों से फोन पर बात करना या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी लग रहा था, लेकिन जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप इस गलती को अभी भी सुधार सकते हो। सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जितना भी समय बचा है उसे ये सारी बातें सोचने में खराब मत करो कि काश मैंने पहले पढ़ाई कर ली होती, क्योंकि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बचा हुआ समय जरूर खराब हो जाएगा। हाँ लेकिन अब खुद से ये वादा जरूर कर लेना कि जो गलती अभी हो गई है वह आगे आप नहीं दोहराओगे। अब जितना भी समय बचा है उसे दिल से नहीं बल्कि अपने दिमाग से इस्तेमाल करो। सब कुछ पढ़ने की बजाय केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान दो। पिछले सालों के पुराने एग्जाम पेपर्स पर रिसर्च करो, नोट करो कि क्या पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ना अभी जरूरी नहीं है। अपने सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करना या सॉल्व करना शुरू कर दो। अपने किसी दोस्त को देखकर अपने टारगेट सेट मत करो। इस बात पर ध्यान मत दो कि किसने कितनी पढ़ाई कर ली है। आपको बस एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना था और आपने कितना पढ़ लिया, क्योंकि अब समय कम बचा है और आपको लगातार पढ़ना पड़ रहा है तो हो सकता है आपको पढ़ाई करते समय नींद आने लगे। तो 5 मिनट के लिए घर की छत पर टहलने के लिए चले जाना और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि साथ में अपनी किताब जरूर ले जाना और अपने मोबाइल को कमरे में ही छोड़ देना। छत पर खुली हवा में अपनी पढ़ाई को जारी रखना, आपकी नींद भी भाग जाएगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर इसी दौरान आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर समय खराब बिल्कुल मत करना। उस टॉपिक को एक जगह पर नोट कर लो और अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद उस टॉपिक को समझने के लिए इंटरनेट की हेल्प लो या अपने किसी बड़े भाई बहन या दोस्त से पूछ लो। लेकिन उस टॉपिक के बारे में सोच कर अपना टाइम बिल्कुल खराब मत करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। देखो जैसे मोबाइल में गेम खेलते समय जब तक आपका मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता आप किसी से न बात करते हो, न किसी की बात पर ध्यान देते हो, न ही मोबाइल से नजरें हटाते हो। ठीक वैसे ही जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए आपको अपनी किताबों से ध्यान नहीं हटाना है, फिजूल की बातें नहीं करनी है और न ही फालतू में मोबाइल चलाना है। याद रखो लाखों में एक बंदा IAS बनता है, हजारों में एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है, क्योंकि यह लोग दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, लेकिन इनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं हटता। इनका ध्यान केवल अपने आने वाले रिजल्ट पर होता है। तुम्हारा ध्यान भी अपने रिजल्ट पर होना चाहिए। याद रखो कितनी तकदीरें बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है। अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, तुम्हें इनसे भी आगे जाना है। तो बिल्कुल अपना समय खराब मत कीजिए, अभी से पढ़ाई में लग जाइए और ऐसा रिजल्ट लेकर आइए कि सब हैरान रह जाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज़।